किसी कार्यक्रम के निमित्त आपके भी विद्यालय पहुंचेंगे, तो ये जब आना जाना रहता है तभी अपनेपन का भाव जागृत होता है। और जो संघ के वरिष्ठ लोग कहते हैं कि जो अंगांगी भाव कि मैंने अंग में कहीं भी हमें कोई चोट पहुंचती तो हाथ उस चोट से बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं, आंखें अश्रु की धारा बहाती, मन बहुत विचलित होता है, तो यही एक अंगांगी भाव है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ है तो उसकी अनुभूति हमको होनी चाहिए। और इन सभी विषयों पर आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि विद्या भारती ने कहा है कि शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा, इनका सबका विकास होना चाहिए, केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं। क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोग विद्वान तो बन गए, लेकिन उनकी विद्वता का कोई लाभ न समाज को मिला न देश को मिला, जबकि उनकी वो समस्त विद्वता, उनकी सामर्थ्य, उनकी बुद्धिमत्ता समाज के निर्माण में सहयोगी नहीं हुई, विध्वंस में लगी। कई नाम आप जानते हो, कंस का नाम सुना, रावण का नाम सुना, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना, एक नया नाम आ रहा है जेएनयू का, कौन, सरजील इमाम, हाँ ये नाम आ रहा, कई ऐसे लोग। तो उन्होंने भी इंजीनियरिंग कर रखी, लेकिन क्या बोलते हैं इसकी समझ नहीं है। तो हमारे सभी ये जो मेधावी भैया बहन हैं, प्रतिभावान भैया बहन हैं, ये अनिवार्य रूप से इनका जो संपूर्ण कृतित्व व्यक्तित्व है, इस देश को, इस राष्ट्र को बनाने में, दुनिया के सब देशों में जग सिरमौर बनाने की जो शपथ रोज लेते हैं, वो अनिवार्य रूप से इनके द्वारा पूरी होगी, ऐसा विश्वास है। तो जो लोग दूर से आए, हो सकता है कि एक दो स्थानों पर उन्हें वाहन भी बदलने पड़े हैं, कुछ ऐसे लोग, कितनी बार वाहन बदलना पड़ा, बिलराया पलिया वाले हैं, बिलराया कौन कौन है, अच्छा ये दो रहेंगे, अच्छा कितनी बार बस बदलनी पड़ी, दो बार, पहले बिलराया बैठे तो लखीमपुर बदली, नहीं सीधे बिलराया रोडवेज से आए, हाँ अच्छा अपनी गाड़ी से, फिर बस ली सीतापुर तक, सीतापुर से फिर बस बदली, तो कैसा लगा आपको कि झोला रखा बैठे फिर कहा कि चलिए बस बदल ली। तो ये सब जीवन के अनुभव हैं।